आज कोरोना को लेकर कुछ सिरफिरे लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। मैंने एक लेडीज का वीडियो देखा जो बार बार चिल्ला के बोल रही है कि कोरोना ही कुरान है, कुरान ही कोरोना है और हमें कुछ नहीं होने वाला। मैं उस लेडीज से पूछने वाला हूँ, ईरान के अंदर हजारों मुस्लिम मारे गए, क्या वो मुस्लिम नहीं थे? क्या वो मस्जिदों में जाके गीता का उपदेश पढ़ते थे? वो भी नमाज पढ़ते थे। वो हजारों लोग मारे गए, ये एक इंसानियत का मुद्दा है और इंसानियत की बातें करनी चाहिए। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध नहीं है, ये कोरोना सबके अंदर एक इंसानियत की बात है। अभी एक विद्वान है इराक के मोदरेसी, उसने बोला कि चाइना ने गलत काम किया मुसलमानों के साथ, इसलिए कोरोना आया। भाई ये तो हर जगह आया, पाकिस्तान में भी आ गया, ईरान में भी आ गया, वो भी हजारों लोग मारे गए। और जब पता लगा उसको खुद को कोरोना पाया गया, क्या वो भी कुरान के खिलाफ था? क्या अल्लाह ने उसकी नहीं सुनी? ये ऐसा कुछ नहीं है। टीएमसी के नेता मुखर्जी जी हैं, रमाकांत यादव सपा के हैं, कोई आरजेडी का है, वो कहते तो हिंदुत्व का एजेंडा है। क्या ये कोरोना के अंदर भी हिंदू मुसलमान देखा जाता है? ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए, जो उनका एक ही टारगेट है कि देश विरोधी बातें करनी है, मोदी के खिलाफ बातें करनी है, उनको शर्म आनी चाहिए और पूरे देश को एकजुटता का परिचय देना चाहिए। कुछ दिन पहले खुद ममता बनर्जी स्टेज के ऊपर माँ काली का गुणगान कर रही थी। पहले तो वो डिसाइड कर ले कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। आज तक तो मुझे यही समझ में नहीं आता ये अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं। यदि इनको हिंदू धर्म से इतनी एलर्जी है तो अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना ले। अरे आज पूरी दुनिया की सबसे फेमस मस्जिद मक्का मदीना बंद कर दी गई, बड़े बड़े गुरुद्वारे, बौद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर बंद कर दिए गए, सिर्फ इसलिए इंसानियत के कारण। ये इंसानियत का मुद्दा है और इंसानियत के मुद्दे के ऊपर होना चाहिए। शाहीन बाग में कुछ लोग बैठे हुए कहते हैं कि मोदी जी गुमराह कर रहे हैं कि हमारे तो कोरोना है ही नहीं। अरे ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का खौफ है और मोदी जी देश को बचाना चाहते हैं, उसलिए उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया ताकि 14 घंटे के अंदर जो वायरस होता है अपने आप ही खत्म हो जाता है। इन लोगों को सोचना चाहिए, इंसानियत का परिचय देना चाहिए, एकजुटता का परिचय देना चाहिए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध कुछ नहीं है, ये महामारी है और महामारी किसी धर्म को देखकर जाति को देखकर नहीं आती। इसलिए इंसानियत का परिचय दें और मोदी जी का भरपूर साथ दें। मैं मोदी जी के साथ हूँ, आप भी मोदी जी का साथ दें और 22 मार्च 2020 को सारे एकजुट होकर इस कोरोना को पूरे देश से भगाना है। भारत जागेगा, कोरोना भागेगा। जय हिंद, जय मोदी राज।